नमस्ते, आर्ट ऑफ टैरो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओशोज एंड टैरो के कार्ड द पास्ट लाइफ्स के बारे में, और पास्ट लाइफ्स को हम कंपेयर करेंगे राइडर वेट के कार्ड दी मून के साथ। तो पास्ट लाइफ में जाने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे द कार्ड ऑफ द मून को। जब राइडर वेट का कार्ड द कार्ड ऑफ द मून हमारे सामने आता है तो वो हमें शो करता है कि दैट देर इज़ सम काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन। एक तरह का कन्फ्यूजन शो किया गया है, एक तरह की अनक्लैरिटी शो की गई है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ भी साफ नहीं है। ये कार्ड है इल्यूजन का, फियर का, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसकी बात करता है। मून कार्ड जो है हमें ये बताता है कि कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको दिख रही हैं वो हो सकता है कि वो वहाँ पे ना हो, वो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक भ्रम की तरह लगती हो। जैसे कि आप जानते हैं कि मून की लाइट खुद की नहीं होती है, जो मून की जो लाइट है सन से उधार ली होती है। तो जो आप मून लाइट देखते हैं वो इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन लाइट। उस सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके मून पे आ रही होती है, जिसके कारण जो है मून जो है शाइन कर रहा होता है। तो उसी को सिम्बॉलिज्म की तरह लेते हुए हमारे को एक चीज़ राइडर वेट हमारे को ये बताता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कुछ भी साफ सुथरा नहीं है। एक ऐसा सिचुएशन शो किया गया है जहाँ पे सब कुछ अनक्लियर है। जैसे कि आप एक सपने में हैं और वो एक सपने को तोड़ने की जो है एक अंदर से बहुत गहरे में एक इच्छा है, लेकिन आप उस सपने को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उस इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सो मून कार्ड हमें मैसेज देता है कि टू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको एक गहरे में कोई मैसेज देना चाहता है। उस मैसेज को सुनिए, इंटरप्रेट कीजिए और अपनी लाइफ में उतारिए। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन द कार्ड ऑफ द मून का। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ पास्ट लाइव्स ओशोज एंड टैरो का। जब भी हम पास्ट लाइव्स की बात करते हैं हम कहीं ना कहीं बहुत उसके अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं। हम उसको फैंटेसाइज करना चाहते हैं, हम उसको जो है बहुत बड़ा बना देना चाहते हैं। हमारे लिए पास्ट लाइफ कुछ ऐसा है कि उसके अंदर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होगा। हो सकता है हम राजा रहे हों, हो सकता है हम रानी रहे हों, कुछ ऐसा जिसके अंदर हम कल्पना बड़ी कर लेते हैं जब भी हम जो है पास्ट लाइफ की बात करते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ का जो गहरा जो मीनिंग है, जो पास्ट लाइफ का जब हम बात करते हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण सिंपल सा एक ये है कि हम पास्ट लाइफ की बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो है हमारे पुराने पैटर्न छुपे हुए हैं। हम जिस पैटर्न से आए हैं वो पैटर्न हो सकता है जन्मों जन्मों का हो। जो आप हैं, जैसे हैं अभी, वो सिंपली अपने पैटर्न के कारण है। और जब तक कि हम इस पैटर्न को तोड़ नहीं देते, हम अपने प्रेजेंट को जो है चेंज नहीं कर पाते, हम उस प्रेजेंट में नहीं आ पाते हैं। तो पास्ट लाइफ की बात सोच के तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन पास्ट लाइफ का जो है जो पर्पस सिंपल जो है अगर देखा जाए तो सिंपल यही है कि वो आपके जो पुराने जो पैटर्न हैं उसको याद दिला दे कि ऐसे काम जो आप जन्मों जन्मों करते आए हैं कि अब तो आप उससे मुक्त हों, कि अब तो आप उससे जो है बाहर निकल पाए। पर्पस सिर्फ यही होता है जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं। लेकिन अगर आदमी कॉन्शियस हो तो वो ये भी देख सकता है कि इवन इन दिस लाइफ, इसी लाइफ के अंदर जो है हमारे जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। जिस तरह के हम हैं, हम एग्जैक्टली एक ही तरह का जीवन जी रहे हैं बिकॉज हमारे पैटर्न उस तरह के हैं। हम उन्हीं तरह के लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं जो हमारे पैटर्न के साथ मैच होते हैं। जो हैबिट्स जो हमारे अंदर जो पड़ी हुई हैं वो हमारे पैटर्न्स की वजह से हैं। तो हमें पास्ट लाइफ में इतना गहरा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसी लाइफ को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे, हम ध्यान से जो है उसको कॉन्शियसली अपने आप जो है इसको एनालाइज कर पाएंगे कि हम एक पैटर्न से बार बार जो है गुजर रहे हैं, बार बार जो है एक ग्रोथ से गुजरे हैं, बार बार जो है एक काम वासना से गुजरे हैं, बार बार जो है एक पर्टिकुलर इमोशन से गुजरे हैं। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सिर्फ एक पैटर्न का जो है नतीजा है, जो पैटर्न जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पास्ट लाइफ सिर्फ हमें ये रिमाइंड करा रहा है कि हमारे जो पैटर्न्स हैं वो हमारी पास्ट लाइफ से भी आ रहे हैं, वो बहुत गहरे हैं हमारे अंदर, इसलिए हमें उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है।
बहुत लोग ये बात करते हैं कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में खुश नहीं है, या फिर वो कहते हैं कि वो अपने शादी से खुश नहीं है, या अपनी फैमिली से खुश नहीं है, या किसी कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं, और उनके अंदर ये चल रहा होता है कि अगर वो इससे बाहर आ जाए, अगर उनको दूसरी सिचुएशन दे दी जाए तो वो खुश हो जाएंगे, वो शायद इस सबसे जो है मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पास्ट लाइफ का कार्ड हमें ये बताता है कि जब तक कि आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वही सेम चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। आप उन्हीं तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, उन्हीं तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सिचुएशंस हैं वो आपकी लाइफ में रिपीट होंगी। सो अनलेस एंड अनटिल अगर आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आ रहे हैं तो सिचुएशन चेंज करके भी कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से आप वही प्रॉब्लम जो है अपने आसपास खड़ी कर लेंगे जो आपने पहले खड़ी करी थी। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को चेंज करने से अच्छा इम्पॉर्टेंट यह है कि आप अपने आप के पैटर्न को देखना शुरू करें और उससे बाहर आना शुरू करें, एंड दैट इज़ द राइट वे, दैट इज़ द राइट अप्रोच। ओशो हमें यह मैसेज देते हैं कि एक ही तरीका है इस पैटर्न को तोड़ने का, इससे बाहर आने का, और वो है मेडिटेशन। देर इज़ नो अदर वे। जब तक कि आप ध्यान के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक कि आप अपने अंदर गहरा जाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक जो है आप उस पैटर्न जो आपके अंदर गहरे बने हुए हैं उससे आप नहीं निकल पाएंगे। अगर आप ओशो ज़ेन टैरो के पुराने कार्ड देखेंगे तो हमने पैटर्न्स की बहुत बात करी है। ये पैटर्न्स कुछ ऐसी बात है कि हमारे अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऑटो पायलट एक हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारा जो मन है वो एक ऑटो पायलट में जाना चाहता है, हमारा जो मन है वो एक मैकेनिज्म में जाना चाहता है कि आप उसको एक कुछ फीड कर दें, एक सॉफ्टवेयर की तरह बता दें, उसके बाद वो अपने आप खुद सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेगा। लाइफ के जो रोज़मर्रा के जो काम हैं उसमें मन की ज़रूरत है, लेकिन जब हम लाइफ को बात करते हैं, लाइफ को जीने की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक कॉन्शियसनेस हमेशा होनी चाहिए। अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम सिर्फ एक मशीन से ज़्यादा नहीं है, हमारे साथ जो है चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, और हम हर बारी जो है कंप्लेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, व्हाई इज़ इट हैपनिंग टू मी, why the money is not happening in my life, why I'm not able to meet the right partner in my life। ये सारे questions जो हैं आपके अंदर उठते हैं वो सिंपली इसलिए क्योंकि आपने अपने patterns change नहीं करे हैं, आप अपने patterns से बाहर नहीं आए। जब तक कि consciousness आपके साथ नहीं जुड़ जाती, जब तक कि आप उस pattern से बाहर नहीं आ जाते, तब तक जो है सही चीज़ें आपकी life में नहीं होती। तब तक कुछ ऐसा है कि बस चीज़ें आपकी by chance आपकी life में अच्छी हो रही हैं, अदरवाइज़ होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक मशीन को अगर हम देखें तो मशीन के साथ जो है हम पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी उसके साथ जो है क्या होने वाला है। लेकिन अगर एक कॉन्शियस आदमी है उसके साथ कोई प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ही विल नो व्हाट टू डू। वो अपने लिए जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप को खुश रखेगा, अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। ओशो कहते हैं कि जैसे जैसे ये पैटर्न टूटना शुरू होता है, आप जो है अपने पुराने जन्मों से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, अपने पुराने जो लाइफ का जो आपका साइकिल है जिससे आप जुड़े हुए हैं उससे आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, और इतना ही नहीं आप रीबर्थ के साथ भी जो है आप मुक्त हो जाते हैं। एक आदमी जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी लिया, एक्सप्रेस कर लिया, उसको दोबारा से जो है जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर वो जन्म लेता है तो वो अपने कारण, अपनी चॉइस के कारण, वो किसी कंपल्शन के कारण नहीं, वो किसी पैटर्न के कारण नहीं, सिंपली वहाँ पे एक कॉन्शियस एनर्जी है जो डिसाइड कर रही है वापस आने के। तो पास्ट लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दिस वेरी मोमेंट। अगर आप इस मोमेंट में अगर अपने आप को, अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा ठहरा सकें, जितनी ज़्यादा जो है उस ऊर्जा के साथ ठहर सके, आप देखेंगे कि आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ना आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। That you will be so happy in this very moment. इस moment, ये जो moment है आपको वो सब कुछ दे देती है, आपको वो सब कुछ जो आप कहीं ना कहीं गहरे में चाह रहे हो वो सारी आपकी इच्छाएँ जो है वो पूरी कर देती है। और वही ध्यान का मतलब है कि ध्यान जो है आपको इस moment में ले आता है, इस present moment में ले आता है, और जितने आप present में रहने की जो है ये आपके अंदर जो है ये बन जाएगी बात, जितनी गहरी चली जाएगी उतना आप पास्ट और फ्यूचर दोनों से फ्री हो जाएंगे। देन प्रेजेंट इज इनफ।
देन प्रेजेंट इज टोटल, देन प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट फॉर यू, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। और साथ में एक और बात है कि लोग जो है जानना चाहते हैं कि अपनी उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। नेचर ने जानबूझ के जो है कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करी है कि आप अपने पास्ट लाइफ को याद ना रख सकें। उसके पीछे कारण सिंपली ये है क्योंकि आप इस जन्म की ही जो प्रॉब्लम्स हैं, इस जन्म के ही जो इश्यूज़ हैं, वो इतने हैं आपकी लाइफ में कि आप उसी को सुलझा नहीं पा रहे, उसी की आप टेक केयर नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको पास्ट लाइफ जो है, अगर वो फाइल्स आपके सामने खुल जाएंगी तो आप जो है बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को। तो नेचर ने बहुत सोच समझ के, बहुत जानबूझ के जो है आपकी जो पास्ट लाइफ्स हैं वो आपके अंदर से वो उसको मिटा दिया है, उसको इरेज कर दिया है। फॉर द सिंपल रीज़न इज़ क्योंकि आप इस प्रेजेंट को हैंडल कर पाए। हाँ, जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को हैंडल कर पाता है वो फिर अपने पास्ट के साथ भी जो है, जब अगर वो देखेगा तो वो उसको पास्ट उसको जो है वो मैटर नहीं करेगा। और जाते जाते एक आपके लिए एक स्टोरी, ये स्टोरी उस व्यक्ति की है जो देश देश गांव गांव में घूमता था एक उस आदमी की पेंटिंग बनाने के लिए जो दुनिया का सबसे अच्छा और सुंदर इंसान है। उसने बहुत ट्रैवल करा, उसने बहुत खोजा और फाइनली उसको जो है एक पहाड़ी पर जो है किसी गांव की एक पहाड़ी पे उसको एक वो आदमी वो मिल गया जो कि बहुत ही एक सुंदर व्यक्ति था और जो बहुत ही एक नेक किस्म का व्यक्ति था। उसने उसकी पेंटिंग बनाई और उसकी सालों की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। कुछ सालों बाद उस व्यक्ति के अंदर दोबारा से एक ख्याल आया कि भाई मैंने जो है दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति को पेंट करा है, अब मैं दुनिया के क्रूप, दुनिया का सबसे बुरा आदमी जो है उसको पेंट करना चाहता हूँ। वो दोबारा से खोज में निकला और उसने जितनी भी बुरी जगहें थी, जहाँ पे भी उसको लग सकता था कि जहाँ पे बुरे आदमी मिल सकते हैं, उसने सब जगह देखा। और इस प्रोसेस में भी उसको जो है सालों लग गए और फाइनली उसको जो है वो आदमी उस एक जेल में मिला। तो वो जब वो जेल में था तो उसने उस आदमी को जो है पेंट करना चाहा, उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो जो आदमी था उस जेल में बैठा हुआ था वो अपनी जो है शक्ल जो है छुपा रहा था, वो उसको उस आदमी को, उस पेंटर को फेस नहीं कर पा रहा था। उस पेंटर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप अपनी जो है नज़र क्यों बचा रहे हैं, क्या बात हो गई? तो वो जो आदमी जो काल कोठरी में बैठा हुआ था उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, कुछ साल पहले जो है आपने मुझे जो है पेंट किया था और आपने मुझे दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति जो है, जो सबसे अच्छा व्यक्ति है वो पेंट किया था, और आज जो है आज आप मुझे पेंट करने आए हैं जो दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति है। इस कहानी के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके अंदर हैं। आप चाहें तो अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, आप चाहें तो बुरे से बुरे हो सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं कहीं ना कहीं आपके सामने खुली हुई हैं। दिस इज़ वेरी मच योर चॉइस। जितना आप पैटर्न से जो है फ्री होना शुरू हो जाएंगे उतना आप जो है अच्छे से अच्छे हो पाएंगे, और जितना जो है आप उस पैटर्न के साथ जकड़ जाएंगे तो आप अच्छे हो के भी नहीं अच्छे हो पाते, आप जो है एक विशेष सर्कल में पड़ जाते हैं जो कि आपको जो है और अंधा करता चला जाता है। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन द पास्ट लाइफ्स की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको मिलूँगा अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।